మీకు వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. రెగ్యులర్ నోటిఫికేషన్స్ కోసం బెల్ బటన్ ని ప్రెస్ చేయండి. దోస్తో, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वैभव एडवांस लर्निंग. वैभव एडवांस लर्निंग में आपका स्वागत है. आशा करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे, किसी को कोरोना वोरोना नहीं हुआ है. अगर हुआ हो तो भैया जाकर चेकअप करा लीजिएगा. अगर थोड़ा सा भी संभावना लगे कि हमारा टेम्परेचर के साथ अगर सांस में भी थोड़ा बहुत दिक्कत हो तो आप ज़रूर चेक करा लीजिए, क्योंकि बहुत ही घातक बीमारी है. ठीक है, तो हम चाहेंगे आप लोग सभी लोग स्वस्थ रहें, स्वस्थ रहने की कामना करेंगे और हमारी वीडियोस देखते रहें और इसको शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें. देखिए, आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक है, प्रतिरोध ताप गुणांक, जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं टेम्परेचर कोफिशियंट. ठीक है, आज हम टेम्परेचर कोफिशियंट पर चर्चा करेंगे, डीपली चर्चा करेंगे. ये होता क्या है, क्यों इसकी स्टडी की जाती है और इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या क्या एग्जाम में पूछे जाते हैं, हम सब इस पर आज विचार करने वाले हैं. इसको आप जरूर समझिएगा. देखिए, हम टेम्परेचर कोफिशियंट के स्टडी क्यों करते हैं, हम पहले ये आपको बता दें. देखिए, शुरुआत के क्लास में स्टार्टिंग में मैं बहुत ही थोड़े लाइनों में मैं आपको बताया था कि जब कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो इसका रेसिस्टेंस भी बढ़ता है. ये मैंने बताया था, उसका रीजन भी मैंने आपको बताया था. क्यों? क्योंकि कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव करते हैं, उन पर किसी तरह का प्रेशर या किसी भी तरह का रुकावट या किसी भी तरह का ऑब्स्टेकल नहीं होता है. वो फ्रीली क्या करते हैं, कंडक्टर में मूव करते हैं. इसके बावजूद जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो अब इलेक्ट्रॉन वो मूव करने के बजाय वो अपने जगहों पे क्या करने लगते हैं, विब्रेट करने लगते हैं. जब वो मूव नहीं करेंगे, विब्रेट करेंगे, जब उनका मूवमेंट कम हो जाएगा तो जाहिर सी बात उनकी चालकता कम हो गई, मतलब कंडक्टेंस कम हो गया. जब कंडक्टेंस कम हो गया तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा, क्योंकि कंडक्टेंस क्या होता है, रेसिस्टेंस के रेसिप्रोकल होता है, उल्टा होता है, व्युत्क्रम होता है, मैंने बताया ही था. ठीक है, अब जैसे एक एग्जांपल ले लीजिए. मान लीजिए कि आपके ऑफिस में, मान लीजिए आप कहीं अफसर हैं, वहाँ आप काम करते हैं, आपके अंडर में कई लोग काम करते हैं, तो वहाँ जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा फुर्तीला है, बहुत ज़्यादा काम करता है, आप उसी को प्रेशराइज करेंगे तो जाहिर सी बात है अब उसकी जो चाल होगी, जो काम होगा, काम करने की डर होगी, वो घट जाएगा. क्योंकि ऑलरेडी वो तो अपना काम कर ही रहा है, ऊपर से प्रेशर दे देंगे तो और दिक्कत हो जाएगी. तो वही बात है, लेकिन जो आदमी काम नहीं कर रहा है, कहीं बधा पड़ा है, कहीं जो है बहाना कर रहा है, आप उसको प्रेशर डालेंगे तो हाँ वो थोड़ा सा काम बढ़ा सकता है. तो वही चीज यहाँ पे समझिएगा. तो कंडक्टर में क्या होता है, कंडक्टर की बातें उन्होंने बता दिया, इलेक्ट्रॉन मूव करता है, टेम्परेचर डालने पर वो विब्रेट करने लगता है, जिससे कंडक्टेंस कम हो जाता है, रेसिस्टेंस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है. तो कंडक्टर के केस में रेसिस्टेंस क्या होता है, बढ़ता है. जब हम किसी कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेसिस्टेंस क्या करेगा, बढ़ेगा टेम्परेचर बढ़ाने का. कंडक्टर का मतलब आपने बताया था, सिल्वर हो गया आपका, कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ये सब जो है कंडक्टर मटेरियल है. जब इनका टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे तो इनका टेम्परेचर जब बढ़ाएंगे तो रेसिस्टेंस भी क्या होगा, बढ़ेगा. ठीक है, अब हम आ जाते हैं सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर पर. सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर पर अगर हम डिस्कस करें तो होता क्या है, इसमें इलेक्ट्रॉन जो है बॉन्ड से बंधे होते हैं. ठीक है, इंसुलेटर में कौन सा बॉन्ड होता है, आयनिक बॉन्ड, और सेमीकंडक्टर में कौन सा बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड, मतलब सहसंयोजी बंध होता है. तो इस तरह से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बॉन्ड से क्या होते हैं, बंधे होते हैं एटम से. तो जब हम वहां पे टेम्परेचर देते हैं तो होता क्या है कि वो बॉन्ड टूटता है. जब वो बॉन्ड ब्रेक होता है, जब वो बॉन्ड टूटता है तो उसके परिणाम स्वरूप, उसके फल स्वरूप, उसके रिजल्टेंट के अकॉर्डिंग होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन मूव करने लगते हैं. मानी जो इलेक्ट्रॉन बधे पड़े थे वो इलेक्ट्रॉन क्या होने लगते हैं, मूव करने लगते हैं. जब इलेक्ट्रॉन मूव करने लगेंगे तो जाहिर सी बात है कंडक्टेंस, जब टेम्परेचर बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन मूव करने लगेंगे मतलब उसका कंडक्टेंस बढ़ेगा, कंडक्टेंस बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस क्या होगा, घटेगा. मतलब ये दोनों केस में होता है, सेमी कंडक्टर में इंसुलेटर दोनों केस में ऐसा होता है. स्पेशली अगर हम सेमीकंडक्टर की बात करें तो जब ये कंडक्टर, जब सेमीकंडक्टर स्टार्टिंग में इंसुलेटर होता है,
हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन फ्री होकर मूव करने लगते हैं, उसके बाद हम फिर टेम्परेचर बढ़ाना, तो जब वो इंसुलेटर जब कंडक्टर बन गया, आपने टेम्परेचर बढ़ाया, तो उसका रेसिस्टेंस क्या होने लगता है, घटने लगता है। इस प्रकार आप कह सकते हैं कि जब सेमी कंडक्टर का टेम्परेचर आप बढ़ाते हैं तो रेसिस्टेंस पहले क्या होता है, पहले क्या होता है, घटता है, बढ़ता है, फिर घटता है, फिर बढ़ता है, ऐसा होता रहता है, तो इस तरह का केस होता है। तो आपने क्या देखा इन तीनों मटेरियलों में, दो मटेरियल में तो सीधा इसका कंक्लूजन यही हुआ कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इनका रेसिस्टेंस क्या होगा, घटेगा, लेकिन कंडक्टर में अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो रेसिस्टेंस भी क्या होता है, बढ़ता है। हमारा कहने का कंक्लूजन ये है। अब टेम्परेचर बढ़ाने पर रेसिस्टेंस किस दर से बढ़ रहा है, किस दर से घट रहा है, कब बढ़ रहा है, कब घट रहा है, कितना बढ़ रहा है, कितना घट रहा है, इन सब का पूरा लेखा जोखा जो है कौन रखता है, तो वही टेम्परेचर कोफिशिएंट रखता है, जिससे हम अल्फा से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। यही जो है लेखा जोखा रखता है कि टेम्परेचर कितना बढ़ाने से कितना रेसिस्टेंस बढ़ा, कितना घटा, यही सारा ब्यूरो जो है प्रोवाइड कराता है हमें, ठीक है। इसी को ही हम क्या कहते हैं, अल्फा कहते हैं, टेम्परेचर कोफिशिएंट कहते हैं। मान लीजिए किसी मटेरियल का टेम्परेचर कोफिशिएंट 0.004 प्रति डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि एक डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने से 0.004 ओम रेसिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि एक डिग्री सेंटीग्रेड जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेसिस्टेंस जो होगा कितना बढ़ेगा, 0.004 ओम रेसिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। इस तरह से अल्फा जो है बताता है कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेसिस्टेंस किस दर से बढ़ रहा है या किस दर से घट रहा है, दोनों चीजें बताता है। कब बढ़ना बताएगा, जब ये पॉजिटिव होगा, जब पॉजिटिव होगा तब आप ये समझ लेंगे कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेसिस्टेंस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। जब ये नेगेटिव होगा तब आप ये समझ लेंगे कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेसिस्टेंस क्या हो रहा है, घट रहा है। जब ये नेगेटिव होगा तो क्या समझेंगे, टेम्परेचर बढ़ाने से रेसिस्टेंस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जब ये नेगेटिव है क्या समझेंगे कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेसिस्टेंस क्या हो रहा है, घट रहा है। तो इसी सिंबल से ये पता करते हैं ऐसा क्यों करते हैं, कैसे होता है, अभी आगे क्लियर हो जाएगा। यहाँ जितना बताना है जितना जरूरी है वहां यहाँ समझिए, ठीक है ना। तो इस प्रकार आपने क्या देखा कि अल्फा के चेंजिंग से रेसिस्टेंस का किस प्रकार सा परिवर्तन होता है, चेंजिंग होती है। तो इस प्रकार आपने क्या देखा, कंडक्टर का पॉजिटिव होता है और इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर का दोनों का निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, ठीक है ना। अब हम इसको थोड़ा सा डिटेल स्टडी करने जा रहे हैं, अब ध्यान से देखिए। मैंने अभी तक जो भी बताया वो एक भूमिका था, तो ठीक है। देखिए मान लीजिए ये कोई कंडक्टर है, ठीक है, इस पर T1 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसका रेसिस्टेंस क्या है, आपका R1 ओम। जब आपने इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया तो इसका रेसिस्टेंस क्या हो गया, R2 हो गया। कब R2 हुआ, T2 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक है। तो ये जो रेसिस्टेंस में जो चेंजिंग हुई उसी को हम क्या बोलते हैं, डेल आर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मतलब R2 - R1। जो ये रेसिस्टेंस में चेंजिंग हुई, जो इस रेसिस्टेंस में परिवर्तन हुआ, यह जो परिवर्तन है वह दो कारकों पे डिपेंड करता है। डेल आर जो होता है यह R1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब अनुक्रमानुपाती होता है, और डेल आर जो है टेम्परेचर, चेंजिंग ऑफ टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जो भी चेंजिंग होती है वह टेम्परेचर चेंजिंग के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और जो रेसिस्टेंस चेंजिंग है वह स्टार्टिंग मतलब इनिशियल प्रारंभिक रेसिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जब इन दोनों को हम मिलाते हैं, इनको और इनको जब हम मिलाते हैं तो हमें मिलता क्या है, डेल आर प्रोपोर्शनल टू डेल टी इंटू R1, ये आपका फार्मूला बनता है। तो अब डेल आर जब ये प्रोपोर्शनल का सिंबल जब घटेगा तो क्या बन जाता, क्या आता है, अल्फा आता है, क्या आता है, अल्फा आता है। इसी अल्फा को प्रतिरोधता गुणांक कहते हैं। अल्फा बराबर मिलता क्या है, डेल आर अपॉन R1 इंटू डेल टी।
ठीक है, तो ये है आपका प्रतिरोध तापमान अल्फा, जो मटेरियल के नेचर पे क्या करता है, डिपेंड करता है। ठीक है ना, अगर हमारी कोई बात है समझ में ना आवे तो आप पॉज करके बैक रिवर्स करके आप वीडियो को देख सकते हैं। तो यहाँ देखिए, तो इस प्रकार अगर आप यहाँ थोड़ा स्टडी करें कि क्या होगा, मतलब हम यहाँ डिफिनेशन पहले फाइंड आउट करें कि इस अल्फा का डिफिनेशन क्या होगा, कैसे आप डिफाइन करेंगे, हाउ कैन यू एक्सप्रेस, हाउ कैन यू डिफाइन व्हाट इज द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। देखिए अगर डिफाइन करना हो तो हम क्या कर रहे हैं, आर को वन यूनिट ले रहे हैं, मतलब वन ओम ले रहे हैं, और डेल टी को भी वन यूनिट ले रहे हैं, तो हमें मिलेगा क्या अल्फा बराबर डेल आर मिलेगा, क्योंकि नीचे वन इंटू वन वन ओम लिखा ना लिखा है, यानी कि अल्फा बराबर क्या मिलेगा डेल आर। यानी कि इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं कि अगर कोई मटेरियल है उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाया गया तो उसके 1 यूनिट रेसिस्टेंस में जो चेंजिंग होती है उसी को हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध तापमान या टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस। देखिए मैंने इस बात को बोल दिया, अगर जिसको जो हिंदी भाषी है वो हिंदी में लिख ले, जो अंग्रेजी भाषी है वो अंग्रेजी में लिख ले। मेरा कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई मटेरियल है उस मटेरियल का 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चेंज करने पर, बढ़ाना घटाना दोनों इसमें आ गया, चेंज करने पर उसके 1 यूनिट रेसिस्टेंस के मान में जो वृद्धि होती है, जो बढ़ोतरी होती है, अर्थात जो परिवर्तन होता है, जो चेंजिंग होती है, उसी को ही हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध ताप गुणांक कहते हैं। ठीक है ना, यानी कि अल्फा बराबर आपको ये फार्मूला आपको मिल गया। तो यहां आप देखते हैं, ये देखिए अगर ये चेंजिंग 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो प्रतिरोध ताप गुणांक क्या होगा, अगर ये चेंजिंग 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो प्रतिरोध ताप गुणांक क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। इस बात का विशेष ध्यान रहे। देखिए अल्फा और डेल्टा टी दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं, व्युत्क्रमानुपाती हैं, इसलिए अगर हम टेम्परेचर की वैल्यू को बढ़ाना है, मतलब ये इस चेंजिंग को हम बढ़ाएंगे, यानी कि टेम्परेचर को जब हम बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध ताप गुणांक अल्फा का मान घटेगा। इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा, लोगों ध्यान यही रहता है कि प्रतिरोध ताप गुणांक सीधे ताप से ही रिलेटेड है, यानी ताप बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा, घटाएंगे तो घटेगा, ऐसा नहीं होता है। जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इसकी वैल्यू क्या होती है, घटती है। इस बात का विशेष ध्यान रहे। हम इसके फार्मूले की ओर चलते हैं, बने रहिएगा। देखिए तो यहाँ अल्फा बराबर आपको क्या मिला, यहाँ लिख सकते हैं R2 - R1 / R1 × Δt, क्या लिख सकते हैं Δt। ठीक है ना, तो यहाँ आपने क्या देखा, जब आप टेम्परेचर की वैल्यू को बढ़ाएंगे तो अल्फा की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है। इस बात का विशेष ध्यान रहे। अब देखिए अगर हम कंडक्टर की बात करेंगे, कंडक्टर की अगर हम बात करें तो होता क्या है, कंडक्टर में जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेसिस्टेंस भी क्या होता है, बढ़ता है। अब देखिए मान लीजिए कि एग्जांपल मैंने उस समय दिया था, मान लीजिए आप ये रेसिस्टेंस स्टार्टिंग में 80 ओम है और बाद में जब हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो रेसिस्टेंस बढ़ के 100 हो गया, तब 100 में से 80 घटाएंगे तो जो वैल्यू मिलेगी वो पॉजिटिव ही तो मिलेगी, इसलिए टेम्परेचर कोफिशिएंट कंडक्टर के लिए क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है ना, इसीलिए इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है, कंडक्टर के लिए पॉजिटिव होता है। इसके अलावा जो कुछ भी मिलता है, जैसे आपका सेमी कंडक्टर की बात कर दिए, चाहे इंसुलेटर की बात कर दिए, चाहे हम थर्मिस्टर की बात कर दिए, ठीक है, आपका सेमी कंडक्टर हो गया, इंसुलेटर हो गया, थर्मिस्टर हो गया, ठीक है, ठीक है। तो आपका एग्जांपल में क्या क्या हो गया, सेमी कंडक्टर हो गया, इंसुलेटर हो गया, थर्मिस्टर हो गया। अब इसके साथ साथ एक होता है इलेक्ट्रोलाइट, क्या होता है ये इलेक्ट्रोलाइट, इन सब का जो है टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है, निगेटिव होता है। क्यों, क्योंकि जब हम इसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इसका रेसिस्टेंस क्या होता है, घट जाता है। मान लीजिए 80 ओम था, अब ये घट करके आपका कितना हो गया, 75 ओम हो गया, तो आप बताइए जब घट जाएगा तो वैल्यू क्या आएगी, निगेटिव आएगी, इसीलिए टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है, इनका निगेटिव होता है। ठीक है ना, अब याद रखिएगा एक चीज, इंसुलेटर और कंडक्टर दोनों का जो है पॉजिटिव होता है और हाई होता है, ध्यान रखिएगा इस बात को, क्या होता है, पॉजिटिव होता है और हाई होता है टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो इस प्रकार से
हमने आपको बेसिक आइडिया दे दिया, अगर यहाँ से फार्मूला आप निकालना चाहें तो आप निकाल सकते हैं। कैसे? आप जो इसमें इसका मल्टीप्लाई करिए, इसका इसमें मल्टीप्लाई करिए, तो होगा क्या, R2 - R1 = क्या होगा, अल्फा R1 × δt। R1 को उधर सब्स्टिट्यूट करिए तो क्या होगा, R1 + α R1 × δt। तो आप यहाँ R1 को कॉमन ले लीजिए तो होगा क्या, 1 + α δt। R2 = R1 1 + α, इसको क्या लिख सकते हैं, T2 - T1। ठीक है ना, तो इस प्रकार का एक फार्मूला आपको मिल गया। ठीक है ना, ये इस फार्मूले से अगर मान लीजिए आपका T1 डिग्री सेंटीग्रेड दिया रहे, T2 दिया हो, R1 दिया हो, R2 पूछे तो निकाल सकते हैं। मतलब कोई भी 3-4 क्वांटिटी दी हुई तो एक क्वांटिटी आसानी से हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। ये जो आपका फार्मूला है, ये टेम्परेचर कोफिशियंट का बेसिक फार्मूला है, इम्पोर्टेंट फार्मूला है। ठीक है ना, ठीक है, ओके। देखिए कुछ मटेरियल्स को मैंने यहाँ ऐड किया हुआ है, आप देखते होंगे इस तरह के मटेरियल पूछे जाते हैं कि इनका टेम्परेचर कोफिशियंट कम है, इनका ज्यादा है, इसी में ऑप्शन ले लिए जाते हैं। मान लीजिए हो सकता है ये 4 का ऑप्शन हो जाए, लेकिन कुछ हिंदी में भी मैं लिख देता हूँ। ये आपका क्या है, सिल्वर है, ये आपका क्या है, कॉपर है, ये आपका क्या है, एल्यूमिनियम है, ये आपका क्या है, गोल्ड है, सोना है, यह आपका क्या है, ब्रास है, यह आपका क्या है, मरकरी है, यह आपका क्या है, नाइक्रोम है, यह आपका क्या है, मेगानीन है, यह आपका क्या है, कॉन्स्टेंटम है, कॉन्स्टेंटम है, इसी को ही यूरेका भी कहते हैं। क्या कहते हैं, यूरेका भी कहते हैं। ठीक है ना, तो ये जितने भी मटेरियल हैं इनका टेम्परेचर कोफिशियंट ऑफ रेसिस्टेंस घटता हुआ क्रम का है, डिसेंडिंग ऑर्डर में है ये। ठीक है ना, पहले सबसे ज्यादा सिल्वर था, उससे कम कॉपर, उससे कम एल्यूमिनियम, उससे कम सोना, उससे इसमें इस तरह की व्यवस्था के साथ जो है रखा गया। ठीक है, उसमें एग्जांपल में मैं इलेक्ट्रोलाइट भी बताया हूँ किसका निगेटिव होता है, उसमें एक चीज आपका कार्बन भी एड कर लीजिएगा, कार्बन का भी जो होता है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस, कार्बन का भी क्या होता है, निगेटिव होता है, आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे सारे मटेरियल मैंने लिख दिया, कोई भी 4 ऑप्शन लेकर के पूछा जा सकता है। ठीक है, इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या है, कम है। ठीक है, कोई भी इसमें से 4 ऑप्शन लेकर के पूछा जा सकता है, किसका कम है, किसका ज्यादा है, इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ इन दोनों के बारे में बात कर लिया गया कि इनका टेम्परेचर कोफिशिएंट अबाउट लगभग जो है कितना होता है, 0 प्रति डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब इसका जो होता है बहुत ही कम होता है, 0 के आसपास होता है इसका, मेगानीन का और कॉन्स्टेंटम का। ठीक है ना, इसीलिए मेगानीन का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग डीसी मोटर के स्टार्टर में कॉयल के साथ भी किया जाता है, मेगानीन का प्रयोग डीसी मोटर के स्टार्टर में कॉयल के भी साथ किया जाता है। जब मशीन पढ़ाएंगे तब तो अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जांपल इसका समझ लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जांपल है। इसके बाद हम जो है चलेंगे अब इसके फार्मूले पर और इसके क्वेश्चन पे। ठीक है, तो ठीक है, ओके। देखिए अब इसके फार्मूले हम देखते हैं, फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तो सबसे पहले मैंने आपको बता दिया R1 = क्या बता दिया, R2 1 + α T2 - T1, बहुत इंपॉर्टेंट है पहला फार्मूला। दूसरे फार्मूले के बारे में हम जानेंगे क्या, कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे दोनों रेसिस्टेंस का रेशियो क्या होगा। ठीक है ना, तो इसको हम कैसे जानेंगे, मान लीजिए कि कोई कंडक्टर है, ठीक है, कोई कंडक्टर है, उसका 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसका रेसिस्टेंस कितना है, R है, लेकिन T1 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसका रेसिस्टेंस क्या हो जा रहा है, R1 हो जा रहा है। ठीक है, और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही इसका जो ताप गुणांक है वो α0। तो आप इसमें कैसे क्या ऐसे लिख सकते हैं, इसके लिए आप लिख सकते हैं ना, तब R1 = R1 + α0
के लिए T2 - T1, T2 के लिए T1 हो जाएगा और T1 के लिए 0 हो जाएगा, यानी कि T1 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस 0 डिग्री सेंटीग्रेड। या लिख सकते हैं इसको तब R1 बराबर R1 प्लस अल्फा 0 T1, देख सकते हैं ना। अब देखिए, मान लीजिए अब जो है इसका टेम्परेचर T1 डिग्री से R1 था, अब फिर टेम्परेचर बढ़ा दिया T2 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया, T2 डिग्री सेंटीग्रेड तो मान लीजिए क्या हो गया, R2 हो गया। मतलब अब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे R था, अब फिर T2 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या हो गया, R2 हो गया। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं R2 बराबर R1 प्लस अल्फा 0 T2 माइनस 0, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हैं R2 बराबर R1 प्लस अल्फा 0 T2, देख सकते हैं ना। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया, ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया, सेकंड हो गया। अब इन दोनों का रेशियो देखिए, अब इन दोनों का रेशियो क्या होता है, रेशियो मतलब क्या होता है, अनुपात, क्या R1 / R2। जब R1 / R2 करेंगे तो R से R क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ये जो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे दोनों रेसिस्टेंसों का क्या है, रेशियो है। डायरेक्ट फार्मूला इसको याद कर लीजिएगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे इन रेसिस्टेंसों का क्या है, ये रेशियो है, ठीक है ना। मतलब यह क्या है कि हम बेसिक टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड लिए हैं, और फिर इसी कंडक्टर का T1 पर, और फिर इसी कंडक्टर का T2 पे हमने रेसिस्टेंस ले लिया, बेसिक क्या है 0, तो इस पर इन दोनों का रेशियो क्या होगा, इस फार्मूले से क्या होगा, फाइंड आउट होगा। इसका जरूरत पड़ेगा आगे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आगे देखिएगा, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा, तो इसी सबसे मेन चीज ये है, ठीक है ना। मतलब आप लिख सकते हैं इसको क्या, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर रेसिस्टेंस का अनुपात रेसिस्टेंस का रेशियो, क्या लिख सकते हैं, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर रेसिस्टेंस का रेशियो, रेशियो ऑफ रेसिस्टेंस एट 0 टेम्परेचर, 0 डिग्री टेम्परेचर। तो दूसरा फार्मूला देखिए आप, मान लीजिए कोई कंडक्टर है, उसका T1 डिग्री सेंटीग्रेड पे प्रतिरोध ताप गुणांक TCR क्या है, अल्फा 1 है, और T2 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसका प्रतिरोध ताप गुणांक क्या है, अल्फा 2 है, ठीक है ना। तो इस अल्फा 2 को प्राप्त करने का, फाइंड आउट करने का एक सिंपल सा फार्मूला होता है, 1/1 अल्फा 1 प्लस T2 - T1, ये फार्मूला होता है। इस फार्मूले को आप ध्यान में रख लीजिएगा, बहुत आसान फार्मूला है, ठीक है ना। ये आपको कोई भी अगर 3 टर्म दिया है तो चौथा टर्म आप इस फार्मूले से इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। इस फार्मूले को अपने दिमाग में बैठाए रखिए। अगर आपको मान लीजिए इस ताप गुणांक का अल्फा का अगर आपको यूनिट निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो R क्या है, R1 × ∆T। तो ये देखिए इसका ओम, इसका भी ओम, इसका डिग्री सेंटीग्रेड दोनों कट गए, क्या आया, प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस तरह से इसकी यूनिट ये मिल जाती है, यूनिट निकालना तो इजी है, आप लोग कर लेते हैं, इसलिए यूनिट को हमने ध्यान नहीं दिया। लेकिन हाँ, इस तरह का ऑब्जेक्टिव पूछ देता है कभी कभी, ये किसका मात्रक है, ओम ओम डिग्री सेंटीग्रेड किसका मात्रक है, ऐसे भी आपका क्वेश्चन पूछ देता है, इसलिए आप इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। तो ये आपका यूनिट था, यूनिट निकल चुका, अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नीचे क्वेश्चन लिखा हुआ है आपका कि मान लीजिए कि T1 डिग्री किसी कंडक्टर के लिए, फॉर एनी कंडक्टर एट T1 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 25 डिग्री सेंटीग्रेड, इस टेम्परेचर पर टेम्परेचर कोफिशियंट कितना है, 1/255 पर डिग्री सेंटीग्रेड आप कह सकते हैं, या 255 पर डिग्री सेंटीग्रेड। तो T2 डिग्री सेंटीग्रेड पर, T2 डिग्री सेंटीग्रेड 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे अल्फा 20 का मान क्या होगा, वी हैव टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ अल्फा 20। यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय यूजिंग दिस फार्मूला वेरी इजीली, ओनली पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर इन दिस फार्मूला व्हिच हैज बीन गिवन बिफोर यू। तो नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा 1, T2 एंड T1 इन दिस फार्मूला, यू कैन फाइंड वैल्यू ऑफ अल्फा 2 इजीली। तो यहाँ से आप अल्फा 2 का मान बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। अल्फा 2 आपको निकालना है तो 1/(1), मतलब इस पहले पर क्या दिया हुआ है, 255, ठीक है ना। अब फिर आपका T1 डिग्री, फिर क्या आपको दिया हुआ है, T2 कितना दिया हुआ है, आपका दूसरा वाला टेम्परेचर कितना दिया हुआ है, 20। तो 20 माइनस आपका T1 कितना है, 25। तो आप निकालिए
तो ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 255, तो फिर यहाँ पे ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 1/250 प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है ना, इस तरह से आपने आसानी से फाइंड आउट कर लिया। इसको क्वेश्चन को बना लीजिएगा, क्वेश्चन ऐसे भी डायरेक्ट दे देता है, ये नहीं मेंशन करेगा, सीधे दे देगा कि अल्फ़ा 25 इज इक्वल टू इतना, तो अल्फ़ा 20 का मान बताइए, सीधे ऐसे क्वेश्चन दे देगा अल्फ़ा 25 का मान इतना, तो अल्फ़ा 20 का मान बताइए। तो अल्फ़ा के नीचे जो कंसिडर किया रहता है वो क्या होता है, वो टेम्परेचर होता है। ठीक है ना, इस तरह से आप फार्मूले का यूज करके ईजिली इस तरह के प्रश्नों को आप सॉल्व कर लेते हैं। फिर अब दूसरे तरह का प्रश्न हम आपके सामने रखने जा रहे हैं जो इसके पहले वाले फार्मूले से रिलेटेड है। ठीक है ना, ओके। देखिए ये क्वेश्चन आपके सामने रखा हुआ है, इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैंने दिया है। 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर कंडक्टर का रेसिस्टेंस इतना है और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसी कंडक्टर का रेसिस्टेंस इतना है, तो उसका 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होगा, यही हमें क्या करना है, निकालना है। ठीक है, देखिए रेसिस्टेंस तो दिया हुआ है लेकिन 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे दिया है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे दिया है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर नहीं दिया है। ठीक है ना, तो हमें 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही क्या करना है, निकालना है, हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है ना, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम रेसिस्टेंस को अब हम निकालने जा रहे हैं। कैसे निकालेंगे ये आप देखिए, पहले देखिए हम फार्मूला जो पढ़े हैं वो क्या पढ़े हैं, R2 बराबर R1 1 प्लस अल्फा 0 T2 माइनस T1, ये फार्मूला हम पढ़े हैं, अभी हमको बताए भी हैं। तो मान लीजिए कि ये रेसिस्टेंस 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे है और आपका T1 जो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, और T2 और R2 का वैल्यू हम इन दोनों में से कोई एक ले सकते हैं। ठीक है ना, बहुत आसानी से तो हम रख देंगे, मान लीजिए R2 का वैल्यू हम 5 ले रहे हैं, 5 रख दिए, यहाँ पे 50 है आपका T2 की वैल्यू, तो यहाँ 50 रख दिए, तो ये भी यहाँ सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, आसानी से। ये R1 हमें मालूम नहीं है, अल्फा 0 मालूम नहीं है, जब दो क्वांटिटी नहीं मालूम रहेंगे तब यहाँ सॉल्व करना क्या हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। ठीक है ना, इसीलिए हमें इन दोनों में से एक फाइंड आउट करना पड़ेगा। अगर ये फाइंड आउट हो ही गया तो हमें सवाल लगाने की जरूरत नहीं है, मतलब हमें किसको फाइंड आउट करना है, अल्फ़ा 0 को फाइंड आउट करना है। तो मतलब क्या फार्मूला यहाँ लगाएंगे, देखिए अगर कोई भी मान लीजिए T1 डिग्री सेंटीग्रेड पे रेसिस्टेंस इतना है, T2 डिग्री सेंटीग्रेड पे रेसिस्टेंस इतना है, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे इनका रेशियो क्या बताए थे, R1 बटा R2 1 प्लस अल्फा 0 T1 अपन 1 प्लस अल्फा 0 T2, ये होता ही है। ठीक है, तो यहाँ हम R1 और R2 की वैल्यू पुट करें, R1 कितना है 5 है, R2 कितना है 6 है। ठीक है, अब फिर यहाँ 1 प्लस अल्फा 0 निकालना है, ये क्या है 50 है, और 1 अल्फा 0 निकालना है कितना 100 है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 5 प्लस 500 अल्फा 0, क्या हो जाएगा 6 प्लस 300 अल्फा 0। तो यहाँ आप इधर इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा 200 अल्फा 0, आइए उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी कि अल्फा 0 का मान क्या निकला हुआ 1/200 पर डिग्री सेंटीग्रेड, अल्फा 0 का मान निकल गया। ठीक है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर रेसिस्टेंस हमको निकालना है या 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये अल्फा 0 भी मिल गया। अब R2 और T2 की वैल्यू में हम चाहे इन दोनों में से कोई ले लें, चाहे इन दोनों में से कोई ले लें, मतलब हम R2 इसको ले रहे हैं T2 इसको ले रहे हैं, या हम R2 इसको लें या T2 इसको लें, बात एक ही आएगी, कोई इसमें डिफरेंस नहीं होगा। चलिए हम R2 को इसको ले रहे हैं तो ये 5 हो गया, R1 हमें निकालना है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो 1 प्लस अल्फा 0 मिल ही गया 1/200, और T2 माइनस T1, तो T2 माइनस T1 को आप जब निकालेंगे तो क्या होगा, तो T1 आपका डिग्री 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, T2 आपने क्या माना है 50 डिग्री सेंटीग्रेड है, यहाँ 50 हो जाएगा। तो आप यहाँ से इसको क्या करिए, यहाँ 4 बार में ये हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 5/4 हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो R1/4 हो जाएगा, यानी कि R1 बराबर क्या हो गया 4 ओम। इस प्रकार आपने क्या देखा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितना आया रेसिस्टेंस 4 ओम। ये BPCL का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और दोनों पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन क्या होते हैं पूछे जाते हैं। ठीक है ना, तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ लीजिए और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इस पर हम प्रैक्टिस भी कराएंगे। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।